दोस्तों आज हम आपको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और जिनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है, वह भारत के महान वैज्ञानिक और राजनीतिक थे। इन्होंने भारत के मिसाइल और परमाणु हथियार कार्यक्रमों में अहम भूमिका निभाई। भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में अहम किरदार निभाने के कारण अब्दुल कलाम जी को भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। परमाणु हथियार कार्यक्रमों में सम्मिलित होने कारण डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। हालांकि अब वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन भारत देश के उनके द्वारा किए गए कर्मों, योगदान और राष्ट्रपति के रूप में उनके कार्यकाल को हमेशा याद रखेगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का जन्म तमिलनाडु में रामेश्वर के तमिल मुस्लिम परिवार में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। इनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन था, जो पेशे से नाव को किराए पर देने और बेचने का काम करते थे। कलाम जी के पिता अनपढ़ थे, पर उनके विचार आम सोच से कहीं ऊपर थे। वह ऊंचे विचारों का धनी व्यक्ति थे और अपनी सभी बच्चों को ऊंचा शिक्षा देना चाहते थे। इनकी माता का नाम आसिमा था, जो घरेलू गृहिणी थे। अब्दुल कलाम जी कुल 5 भाई बहन थे, जिसमें 3 बड़े भाई और 1 बड़ी बहन थी। जब अब्दुल कलाम जी का जन्म हुआ था, तब इनका परिवार गरीबी से जूझ रहा था। परिवार की मदद करने के लिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने छोटी सी उम्र में ही अखबार बेचने का काम शुरू कर दिया था। स्कूल के दिनों में वह पढ़ाई में समान थे, परंतु नई चीज़ों को सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। चीज़ों को सीखने के लिए वह हमेशा तैयार रहते थे और घंटों पढ़ाई किया करते थे। गणित विषय इनका मुख्य और रुचि विषय वाला था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की प्रारंभिक शिक्षा स्वच्छता हाई स्कूल सेकेंडरी स्कूल रामानाथपुरम तमिलनाडु से मैट्रिक की शिक्षा प्राप्त की। स्कूल के दिनों में वह अपने एक शिक्षक से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, जिनका नाम आयदुर सोलोमन था। उनके शिक्षक का मानना यह था कि ख्वाहिश, उम्मीद और यकीन को हमेशा अपने जीवन में रखना चाहिए। इन मूल मंत्रों पर काबू करना बहुत जरूरी है। इन तीनों मूल मंत्रों के कारण आप अपनी मंजिलों को बिना किसी परेशानी के पा सकते हैं। इन मूल मंत्रों को अब्दुल कलाम जी ने अपने आखिरी समय तक अपने जीवन में कायम रखा। अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने तिरुचिपल्ली के सेठ जोसेफ कॉलेज ने 1954 भौतिक विज्ञान में BSc की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद 1955 में वह मद्रास चले गए। कलाम जी को लड़ाकू पायलट बनना था, जिसके लिए उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन एयर स्पेस इंजीनियरिंग में शिक्षा ग्रहण की, परंतु परीक्षा में उन्हें 9वां स्थान मिला, जबकि IF ने 8 परिणाम घोषित किए, जिसके कारण वह सफल नहीं हो पाए। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी एक प्रोजेक्ट पर काम करने लगे और वह प्रोजेक्ट इंचार्ज रॉकेट के मॉडल मात्र 3 दिन में पूरा करने का समय दिया था और साथ में यह भी कहा था कि अगर वह मॉडल ना बन पाया तो उनकी स्कॉलरशिप रद्द हो जाएगी। फिर क्या था, अब्दुल कलाम जी ने रात देखी ना ही दिन देखा, ना भूख देखी ना प्यास देखी, मात्र 24 घंटे में अपने लक्ष्य को पूरा किया और रॉकेट का मॉडल तैयार कर दिया। प्रोजेक्ट इंचार्ज को विश्वास हुआ कि यह मॉडल इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा। उस मॉडल को देखकर प्रोजेक्ट इंचार्ज भी आश्चर्यचकित हो गए थे। इस प्रकार डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपने जीवन कई चुनौतियों का डटकर सामना किया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम जी ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में एक वैज्ञानिक के रूप में शामिल हुए। इन्होंने प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के साथ भी काम किया। 1969 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इसरो आ गए और वहां पर इन्होंने परियोजना निर्देशक के पद पर काम किया। इसी पद पर काम करते समय भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी पृथ्वी की कक्षा में वर्ष 1980 में स्थापित किया गया। इशारों में शामिल होना डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात थी, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि जिस उद्देश्य के लिए वह जी रहे हैं वह उद्देश्य पूरा होने लगा है।
वर्ष 1963 से 64 ईस्वी में अब्दुल कलाम जी ने अमेरिका संगठन नासा में दौरा किया। भारत के प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक राजा रामत्रा ने पहला परमाणु प्रशिक्षण किया, जिसमें कलाम जी को प्रशिक्षण करने के लिए बुलाया गया। 1970 से 1980 के दशक में डॉक्टर अब्दुल कलाम जी अपने कार्य की सफलता के कारण देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन गए और ख्वाहिश पढ़ाने के कारण उस समय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपनी कैबिनेट की मंजूरी के बिना ही कुछ गुप्त कार्यों के लिए अनुमति दे दी थी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का राष्ट्रपति बनने का सफर। भारत के राष्ट्रपति रहने के दौरान डॉक्टर कलाम जी ने अपने कार्यों की सफलता, अपनी उपलब्धियों के कारण राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की सरकार ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को 2002 को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया। अब्दुल कलाम जी ने अपने प्रतिद्वंद्वी लक्ष्य सहगल को भारी मतों से हराकर 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वां राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनको राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न का पुरस्कार मिला चुका है। अब्दुल कलाम जी ने अपने पहले दो राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर राधे कृष्ण को यह भारत रत्न का पुरस्कार भी मिल चुका है। राष्ट्रपति के दायित्व से मुक्ति होने के बाद डॉक्टर कलाम ने कई शैक्षिक संस्थाओं में मांदा फैलो एक प्रिजेट प्रोफेसर बन गए थे। उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से जैसी मानी यूनिवर्सिटी से सूचना प्रौद्योगिकी में कार्य किया। कलाम जी हमेशा से देश के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रहे। डॉक्टर कलाम हमेशा से युवाओं के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए कई तरह के प्रयास करते रहे। अब्दुल कलाम का उद्देश्य यह था कि भारत से भ्रष्टाचार को हटा दें। देश के युवाओं ने उनकी लोकप्रियता को देखकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को 2 बार एमटी यूथ आइकॉन ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की उपलब्धियां कई पुरस्कार और अपने आदर्श व्यक्तिगत साधे विचारों और पुलभूत पर पाया गया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के समान वर्ष पुरस्कार का नाम पुरस्कार को देने वाली संस्था 2014 में डॉक्टर ऑफ साइंस एडिनबर्ग विश्वविद्यालय यूनाइटेड किंगडम में और 2012 में डॉक्टर ऑफ लॉज मान उपाधि साइमन फेजर विश्वविद्यालय में और 2010 में डॉक्टर ऑफ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ऑफ वाइटरूल और 2009 में मांदा डॉक्टर रेट ऑकरेट विश्वविद्यालय और 2009 में हुबर मेंडल हेमसेस फाउंडेशन और 2009 में वॉनकॉम बिंग्स अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड के लिए लिफोनिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और 2008 में डॉक्टर ऑफ इंजीनियरिंग नानयांग टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय सिंगापुर और 2008 में डॉक्टर ऑफ साइंस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ और 2000 रामानुजन पुरस्कार आयुर्वेद शोधन संस्था चेन्नई, 1998 में वीर सवर्गन पुरस्कार भारत सरकार और 1997 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और 1997 में भारत रत्न भारत सरकार और 1990 में पद्मभूषण भारत सरकार, 1981 में पद्मभूषण भारत सरकार और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध किताबें बुक किताबें अब्दुल कलाम जी ने अपने विचारों को अपनी 4 किताबों में डाला। फिल्म 2011 में आई एक फिल्म जिसका नाम आई एम कलाम, जिसमें एक गरीब लड़का जिसके मन में कलाम का सकारात्मक विचार को चिंतित किया गया, उनके सामान में यह लड़का नाम कमा रखा था लेकिन उसको बहुत ही खूबसूरत से दिखाया गया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का निधन 27 जुलाई 2015 को। डॉक्टर कलाम 84 साल के उम्र में भारतीय प्रावधान संस्था श्रीलंका में रहने योग्य ग्रह पर अपना विचार व्यक्त कर रहे थे जब उन्हें कार्डियक अटैक हुआ और वो बेहोश हो गए। लगभग शाम को 6:30 बजे उन्हें बेथानी अस्पताल में आईसीयू में ले जाया गया। जब 2 घंटे के बाद उनकी मृत्यु हो गई, 30 जुलाई 2015 को उनकी पैतृक गांव रामेश के पास उनका अंतिम संस्कार हुआ। उनकी अंतिम अनुशासन के समय कम से कम 3,50,000 लोग शामिल थे, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और तमिलनाडु के राज्यपाल, कर्नाटक के, केरल और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री आदि शामिल थे। अगर व्यक्तिगत जीवन के बारे में कहा जाए तो डॉक्टर कलाम जी पूरी तरह अनुशासन का पालन करने वाले थे।
कलाम जी श्रीमद् भागवत गीता और कुरान दोनों का अध्ययन करते थे। भारत को विकासशील देश से विकसित देश बनाने का उनका बहुत बड़ा सपना था। बच्चों और युवाओं को कलाम जी हमेशा ही प्रेरणा स्रोत रहे। इस प्रकार आज हमने डॉक्टर APJ कलाम के आत्मजीवन के बारे में बताया। आशा करते हैं कि आपको डॉक्टर अब्दुल कलाम जी का यह बायोग्राफी पसंद आई होगी और आप उसको अपने दोस्तों साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।